नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। आज हम लोग किसान बिल के अगेंस्ट चल रहे प्रोटेस्ट, उसके आगे पीछे के जो लिंक अभी निकले हैं और जो मैंने पहले दो वीडियोस में बात कर रखी है, जो खालिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी फोर्सेस, एंटी इंडिया फोर्सेस और कुछ तो एंटी हिंदू फोर्सेस जो लगी हुई हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और इतना अच्छा आज कुछ ऐसी घटना हुई है जो इतने अच्छे तरीके से मेरे पॉइंट्स को साबित करती है। कैसे, इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो के एंड में अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिव्यू कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्या स्टैंड है। मैंने अपने पिछली दो वीडियो में बार बार ये जिक्र किया कि किसान कम, खालिस्तानी फोर्सेस ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसान नहीं, मैं नहीं कह रहा कि जेन्युइन किसान उसमें नहीं होगा, होगा, है, बहुत लोग हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि उन्हें गलत बात बोल के रोड पे लाया गया है। पहली चीज, उसका भी मैं प्रूफ दूंगा कि किस तरीके से जो ग्रेजुअली जो शिफ्ट हुआ है किसानों की मांग में, उसको नोटिस करने की कोशिश करिए, बिल्कुल बारीकी से समझिए। पहला, अगर वाकई में किसान आंदोलन होता और मेजॉरिटी में सिर्फ किसान होते और किसान ही लीड कर रहे होते इसको, जो उनका जो मेन चेहरा होता, तो ऐसे नारे आपको नहीं सुनने में मिलते जो कह रहे हैं कि हम नहीं कहते नो भारत माता दी जय, असी तो बोले सोनियाल, नो भारत माता दी जय, बोले सोनियाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय अल्लाह, यही असी कमांगे, असी भारत माता दी जय नहीं कमा। इन सब मुद्दों में कौन सा किसान पड़ता है? आपको MSP चाहिए, आपको बिल में संशोधन चाहिए, या आपको पॉलिटिक्स खेलनी? दूसरी चीज, ऐसी ऐसे फोर्सेस कूद रही हैं जो हमारे भारत की जो फोर्सेस हैं और जो भारत के बाहर की जो फोर्सेस हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। आप लोग को पता है कि अभी बीच में कंगना और दिलजीत दोसांझ का मैटर चल रहा है, एक दूसरे को, मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया पे गाली गलौज हो रही, तू तू मैं चल रही है। जो लोग कहा एक दूसरे को थोड़े समय पहले रिस्पेक्ट करते होंगे और अब तू तू मैं चल रही, जो बहुत ही घिनौना था वो, मुझे, मैं खुद उस चीज़ के फेवर में नहीं, चाहे कंगना बोले चाहे दिलजीत बोले, और वो सब देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि एक सिख वर्सेज नॉन सिख चल रहा है। भारत में ही जो तोड़ने की जो प्लानिंग थी, दो कम्युनिटीज को लड़ाने की प्लानिंग थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी एक आध स्टेज पे कामयाब होती नजर आ रही है। फिर उसके बाद कूद के आ जाते हैं हमारे युवराज सिंह के पिताजी, वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल एक पंजाबी के लिए, एक सिख के लिए ये सब बोलना शर्मनाक है। ऐसा बयान दे के वो खुद के पूर्वजों को गाली दे रहे हैं, पहली चीज। ऐसा बयान दे के वो खुद के पूर्वजों के द्वारा किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान, बलिदान, ये जो सिख गुरुओं ने दिया है हिंदू समाज के लिए, सिख समाज के लिए, भारत की धरती के लिए, उन्होंने उसको गाली दी है। वो भूल गए हैं कि ये वही मुगल हैं, ये वही मुसलमान हैं, ये वही प्रजाति है जो आज भी उन अपने आप को मुगलों का वंशज मानती है। ये वही हैं जिन्होंने सिख समाज को जिस तरह से प्रताड़ना दी है कि उसकी एक सीमा होती है, आर्यों से काटा है, गले काटे हैं, अब बच्चों को चुनवा दिया दीवार में, और ये आज उन्हीं के फेवर में बोल रहे हैं। खैर, इनको लीगल नोटिस सर्व किया जा चुका है कि हिंदू और सिख के बीच में लड़ाई लगवाने की इनकी भाषा है, ब्लास्फेमी का इनके ऊपर केस किया जा सकता है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, पूरी रिपोर्ट, पूरी कंप्लेंट की रिपोर्ट है जो इनको सर्व किया गया है। अब मैं आता हूँ उस बात पे कि जो मैं पिछली दो वीडियो से बोल रहा हूँ कि कैसे खालिस्तानी फोर्सेस, कैसे पाकिस्तानी फोर्सेस, कैसे ISIS, कैसे ISI मिली हुई है। आज दिल्ली में 5 आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनका एलिज्ड लिंक ISIS से, जिनका एलिज्ड लिंक ISI से, जिनका एलिज्ड लिंक एलिज से ज़्यादा ही कम से कम खालिस्तानी फोर्सेस से और कश्मीर से भी है। तो ये लोग 10-12 दिन के चल रहे प्रोटेस्ट और दिल्ली में इनका पकड़े जाना और प्रोटेस्ट में लग रहे एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नारे, आपको नहीं लगता कि ये पूरी प्लानिंग थी? बाकी ये सारी थ्योरी का कंक्लूजन आपके अपने विवेक पे छोड़ता हूँ कि आपको सब सुन के समझ के क्या कंक्लूजन मिल रहा है। अब बात करते हैं दो पॉलिटिकल लीडर्स की, एक तो थोड़ा मजहबी भी है, मिस्टर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। इनकी अभी एक डिबेट सुधांशु चतुर्वेदी के साथ वायरल हुई थी किसान मुद्दे पे ही, कह रहे थे हमें अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए, हमें अपनी देशभक्ति प्रूव करने के लिए बाधा प्रेरित ना किया जाए, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो ये हमें ना बताएं कि हमें क्या करना है, हम भारत के लिए लॉयल हैं, लेकिन ये जो किसानों के साथ कर रहे हैं ये गलत है, ये बिल हटा दिया जाए। ठीक, आप इसी को नोटिस करिए, जो शब्दावली है अखिलेश यादव का क्या कहना है। अखिलेश यादव आज के दिन सड़क पे आए, जो ऑलरेडी बता चुके थे कि हम लोग आएंगे 7 तारीख, धरना दिया उन्होंने, कुछ समय तक चला, आधे घंटे तक, उनको फिर यूपी पुलिस डिटेन करके ले गई। उस बैठक में
जब घिरे हुए थे, पत्रकारों ने जब पूछा, तो उन्होंने उस बैठक में कहा कि इस काले कानून को हटाया जाए, हमारी ये मांग है, और इस योगी सरकार, नारे भी ये लग रहे थे, इस योगी सरकार को भी हटाया जाए। अब मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव करीब है, इतना अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन है ये व्यक्ति, आपको किसानों की पड़ी है तो तर्क से बात क्यों नहीं करते, टेक्निकल पॉइंट पे क्यों नहीं आते। अगर इन पॉलिटिशियंस की शब्दावली पे आप ध्यान देंगे कि ओवैसी का ये कहना है, अखिलेश यादव का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है, जो सिख समाज के लोग जो मतलब फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, कि अब वो ये कह रहे हैं कि कानून ही हटा दिया जाए, फिर जो किसानों का जो ग्रेजुअल शिफ्ट है, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, कि बिल में एमएसपी का इंश्योर होना, एमएसपी को ना हटाना, उससे शिफ्ट हो गया है कि पूरे ही बिल को हटा दो, यस और नो का पर्चा लेके लोग घूम रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब टीवी पे देखा होगा, तो इन्होंने यहां तक बोला है कि जब हम मीटिंग में गए, जो भी मेन मेन नेता लोग थे, उन्होंने बोला कि किसान मंत्री जो थे, जो कृषि मंत्री थे, वो हमें तर्क देने की, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सुनने के मूड में नहीं थे, हम सुन भी नहीं रहे थे, हमें मतलब ही नहीं है, हमारा सिर्फ यही मांग है कि बिल हटा दिया जाए। मतलब अगर सरकार आपको लेके सॉफ्ट हो रही है, बैकफुट पे जाने की कोशिश कर रही है कि ठीक है आपकी बात हम ही मान लेते हैं, अगर आप पीछे नहीं हटना चाहते तो चेंजेस कुछ कर देते हैं, आप चाहते हैं कि चेंजेस हों या ना हों, बिल ही हट जाए, अब आपकी नए नारे हैं। तो ये कैसे पॉलिटिकल है, कैसे ये एंटी इंडिया है, और बीच में थोड़े बहुत अगर भाषणबाजी सुनी जाए तो एंटी हिंदू भी है। और इतनी सब चीज़ों के बाद अगर आप किसानों के कंधे पे बंदूक रख के, किसान किसान बोल के एंटी इंडिया एंटी हिंदू नारे लगाएंगे, एंटी गवर्नमेंट आपको होना हो, ये मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जब चीज़ें आप करेंगे उसके बाद भी अगर आप कोई सवाल उठा दे तो आप कहते हैं कि सवाल उठाने वाला ही गलत है, सवाल उठाने वाला ही इनसेंसिटिव है, और सवाल उठाने वाला ही किसानों का विरोधी है। कैसे? किसानों को तो आप बोलने ही नहीं दे रहे, किसानों को तो आप भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सरकार के बहुत बड़े से बड़े ऑफिशियल फोरम से ये बता दिया गया है कि एमएसपी नहीं हट रही है, एमएसपी की सुविधा बरकरार रहेगी। लेकिन आपको जिस बात का डर है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, फिर फ्यूचर में प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली चलेगी, जिस रेट में खरीदना चाहेंगे खरीदेंगे, नहीं खरीदना चाहेंगे नहीं खरीदेंगे, एमएसपी तो तब भी लागू रहेगी सर, एमएसपी सिर्फ मंडियों में तो नहीं लागू रहती है, एमएसपी तो हर जगह लागू रहेगी। मेरे पास उस बिल की पूरी कॉपी है, जितने भी 4-5 पन्ने हैं, उसमें मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आपने अभी तक वो पन्ने पढ़े नहीं है तो उस पूरे पन्ने को रीड करके पढ़ के आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, यहाँ तो आप सीधा कह रहे हैं हटाओ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या है। तो सर ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट नहीं है, ये आजमाइश है, ये एजेंडा है, पहले इस्लामिक फोर्सेस के द्वारा था, अब खालिस्तानी फोर्सेस के द्वारा है, और इस बार किसानों को कंधा बनाया गया है और उस पर बंदूक रख के अपना एजेंडा चलाया जा रहा है। बस अगर आप मेरी बात से तर्क रखते हैं कि आपका ओपिनियन कुछ और है, तो आप बिल्कुल अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए, अगर न सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।